नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज गिरिडीह में जेएमएम कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी। इस दौरान वे गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाएगी। सीएम केजरीवाल को मिलेगी राहत या फिर रहेंगे जेल में ही, इसका फैसला आज हो जाएगा क्योंकि उनके गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी नगीना लोकसभा के कस्बा धामपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, गठबंधन के सभी दल भ्रष्टाचार और सभी पार्टियां परिवार की, इन्हें आम जनता से मतलब नहीं है, सब अपने आप को बचाने में लगे हैं। इंडी गठबंधन के आधे नेता बेल पर हैं और आधे जेल में, विकास क्या करेंगे। पंजाब के डेरा बस्सी इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। जहां आग से आसमान में काले बादल से छा गए, वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। केंद्रीय जल मंत्रालय की नेशनल प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट से जारी अटल भूजल योजना पर महाराष्ट्र के बाद हरियाणा ने संजीदगी दिखाई और इस कारण ये देश में दूसरे नंबर पर रहे। उत्तराखंड के रामनगर में नवरात्र के पहले गिरजा देवी मंदिर परिसर में आग लगने से देखते ही देखते दो दर्जन से अधिक दुकानें खाक हो गई, जहां 35 से अधिक दुकानों के सामान जलकर राख हो गई। वहीं नुकसान देखकर दुकानदार रोते दिखाई दिए। 1999 में झारखंड ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से संबंधित कोयला घोटाला मामले में दोषी करार दिए गे पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे की सजा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। वह ओडिशा से आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ सकेंगे। घोटाला मामले में दिलीप रे को 3 साल की सजा निचली कोर्ट से मिली थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 राज्यों में ताबड़तोड़ चुनावी अभियान को धार देंगे, जहां वे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में चुनावी रैलियों में शामिल होंगे और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी सबसे पहले सुबह 11 बजे यूपी के पीलीभीत में एक जनसभा करेंगे। इसके बाद 3 बजे मध्य प्रदेश के बालाघाट में जनसभा करेंगे। वहीं 6:30 बजे चेन्नई में रोड शो होगा। इसके बाद वे रात में चेन्नई राजभवन में ही रुकेंगे। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहा है, जहां हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान 9 दिनों तक लोग व्रत रखते हैं। हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी को अलविदा कहते हुए आज कांग्रेस का हाथ थामेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज असम के दौरे पर रहेंगे, जहां वह लखीमपुर, सोनितपुर और डिब्रूगढ़ जिले में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज हापुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे भाजपा के घर अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर के लिए सिखेरा में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। आज महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा यानी उगादी महोत्सव मनाया जाएगा, साथ ही आज तेलुगु नववर्ष भी मनाया जा रहा है। इस मौके पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, गोवा और जम्मू श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे। पश्चिम बंगाल में बीते विधानसभा चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस और भाजपा की सीटों को लेकर सटीक भविष्यवाणी करने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से भविष्यवाणी की है, जहां इस बार उन्होंने दावा किया है कि राज्य में भाजपा इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। चंद्रपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव अस्थिरता और अस्थिरता के बीच का है। एक तरफ बीजेपी और एनडीए है, जिसका लक्ष्य देश के लिए कड़े और बड़े फैसले लेना है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन है, जिसका एक ही मंत्र है, जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ। बडोदरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि समाज से जाति लिंग भेदभाव समाप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है। भागवत ने कहा कि सज्जन शक्ति को संगठित किया जाना चाहिए और सद्भाव
पारिवारिक शिक्षा अनुष्ठानों का पालन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी मूल्यों की जागृति और नागरिक कर्तव्यों की शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के लिए सक्रिय किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पत्थल गांव में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल गरीबों को समर्पित था। गरीबों को मकान देने से लेकर जनधन योजना के तहत खाते खुलवाने, महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर काम किया गया। वहीं दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया, भव्य राम मंदिर बनाया गया और अब तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया में तीसरे नंबर के अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी के एक कार्यक्रम स्थल पर भाजपा उम्मीदवार की तस्वीर वाले पोस्टर लगाए जाने पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार मान ली है। हिमाचल प्रदेश में ईद पर मुस्लिम महिलाएं HRTC की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। जहां हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने इस बारे में आदेश जारी किया। लद्दाख को लेकर विभिन्न मुद्दों पर बॉर्डर मार्च टलने के बाद लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस नए सिरे से रणनीति बनाकर केंद्र को घेरने की तैयारी में है। इस बार दोनों संगठनों की बैठक करगिल में हुई। राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर आखिरकार कांग्रेस का भारतीय आदिवासी पार्टी बाप के साथ समझौता हो गया है। जहां कांग्रेस ने बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट बाप के प्रत्याशी राजकुमार रोते के नाम छोड़ दिया है। साथ ही बागीदौरा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भी कांग्रेस बाप के प्रत्याशी जयकृष्ण पटेल को अपना समर्थन देगी। तो ये थी आज की ताजातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।